से बोल रही हूँ, ठीक है, फॉर यू, यश इज ऑल्सो प्रेजेंट नाउ. जब भी आ रहे हो अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करो कि यू आर प्रेजेंट इन द क्लास. फाइन, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, हमने अभी तक जो पहले किया था रिटर्न्स टू फैक्टर में किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रिटर्न्स टू स्केल. सो दिस इज द पार्ट दैट इज गिवन इन द पावर बूस्टर ऑफ योर बुक. ठीक है, सो इन दिस वी आर गोइंग टू डू दिस. जशन रीता, आई ऑलरेडी सेड योर नेम. फाइन, सो you people are going to learn about this. So मैंने आपके लिए ये टेबल बनाया. बुक में आपकी टेबल नहीं है, ये टेबल को क्लिक कर लो प्लीज. टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्विकली. आई नो वीडियो इज क्लियर नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग क्लिक कर लो जल्दी. देन वी गोइंग टू डू ऑल इट इन डिटेल. ठीक है, हो गया क्लिक? अगर हो गया तो जस्ट सेंड मी थम्स अप क्विकली. If you're done with this, please send me thumbs up. Okay, so you're done with this. Great. So let's continue with your returns to scale. So law of returns to scale, it is another type. हमने किया था factor, returns to factor and returns to scale. Returns to factor में किया था, हम लोग कहते थे एक variable factor है, combination of fixed factors के साथ हम लोग use कर रहे हैं. But अगर variable factor में change आता है तो we will have the returns on the basis of that. But यहाँ पे क्या है, law of returns to scale में क्या होता है, सारी की सारी output जो है, ठीक है, उसमें सारा का सारा क्या होगा, change होगा. किस वजह से होगा? जब उनके factor inputs में change आएगा, सारे के सारे factors में change आएगा. ठीक है, factor inputs totally जिनके अंदर change आएगा, तो then we call it as in the same proportion. और वो जो change आएगा that will be in the same proportion. ठीक है, मतलब जो रेशियो ऑफ चेंज होगा, जैसे हम लोग कहते हैं 10 यूनिट्स का सप्लाई में चेंज आया, 10 यूनिट्स का हमारी डिमांड में चेंज आया, 10 रुपीज अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया, सो अगर 1 यूनिट ऑफ प्राइस बढ़ा तो 1 यूनिट ऑफ हमारा डिमांड भी बढ़ गया. सो इफ वी गॉट द चेंज लाइक दिस, ठीक है, तो अगर साइमल्टेनियसली सारे फैक्टर इनपुट्स जो है उसमें चेंज आता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी आउटपुट में भी चेंज आता है, तो वी कॉल, और वो किस प्रोपोर्शन में आएगा, सेम प्रोपोर्शन में आएगा, तो वी कॉल दैट इज योर return, law of returns to scale. ठीक है, तो वो क्या होता है, law of returns to scale. So I hope law of returns to scale समझ आया. ये हमेशा long run में perform करता है. So this is always applicable in the long run. Long run में हम लोग ये मान के चलते हैं सारे factors में जो scale of production है उसमें भी change आ जाएगा. ठीक है, so Cambridge International School अभी तक हमारी 4 branches है almost. ठीक है, अंडर वर्सल एजुकेशन सोसाइटी. सो इन फ्यूचर लॉन्ग रन में सारी जो हमारी की हमारी जितनी भी ब्रांचेस है कैम्ब्रिज की, वो सारी में क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. तो सब में आई ना, सारे फैक्टर्स में चेंज हुआ ना, सो बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल इट एज रिटर्न्स टू स्केल. तो हमारा यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा. रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. इतना क्लियर हो गया सबको? सबको इतना क्लियर हो गया माय डियर? हो गया क्लियर सबको? रिटर्न्स टू स्केल की डेफिनेशन क्लियर हो गया? आपकी बुक में एक दी हुई है वॉटसन की डेफिनेशन, जस्ट गो थ्रू दैट. ओके, सो फाइन, यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हिच आई एम टीचिंग यू. फाइन फाइन, सो जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन दैट इज गिवन इन योर बुक बाय मिस्टर वॉटसन. ही इज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, सो ही हैज गिवन द डेफिनेशन. सो प्लीज जस्ट गो थ्रू दैट डेफिनेशन. जो मैंने आपको बेसिक बताई है वही सेम डेफिनेशन उन्होंने एक्सप्लेन करी है. ठीक है, सो सी द डेफिनेशन हियर. सो दे हैव जस्ट गिवन इन द वर्ड्स ऑफ वॉटसन, आई एम जस्ट टेलिंग यू, रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेरिड. वेरिड मीन्स चेंजेस, चेंज होते हैं. ठीक है, सो वेरिड इन सेम प्रपोर्शन एंड इट इज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट. So I already justified the things that I have explained to you. Okay, so this is the definition given by Mr. Watson. So it is clear already. Okay, so अब हमारे पास है, जब भी हम law of returns to scale की बात करते हैं तो we divide into it into 3 stages. ठीक है, जैसे हमारे law of variable proportion में भी 3 stages थी. First was increasing returns,
ठीक है, यहाँ पे आती है हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, उसके बाद कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, वहां पे भी हम लोग करते थे, बट हम लोग वर्ड करते थे रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ पे हमारे पास स्केल है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगी, फिर आएंगे कॉन्स्टेंट रिटर्न्स, देन वी हैव डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसको थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। ठीक है, सो इसके लिए स्टेजेस वर्ड भी यूज करते हैं, थ्री टाइप्स भी कर देते हैं हम लोग वर्ड यूज रिटर्न्स टू स्केल के लिए। सो आई होप इतना सा क्लियर हो गया पहले सबको। सो थ्री स्टेजेस आ देयर, आईसीडी अगर मैं बोल दू, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो ऑल आर रिलेटेड टू स्केल। सो आईसीडी, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज फॉर दिस। ठीक है, सो आईसीडी दैट इज द शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज फॉर दिस। नाउ आपकी जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स में, अब इसके पहले थोड़ा सा पढ़ ले क्या चीज है दी इन्होंने। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है? कुछ नहीं है, बस हमारे फैक्टर्स में जो चेंज आएगा, प्रोपोर्शनेट जो चेंज आएगा आउटपुट में, देखो वो क्या चीज मेंशन करी है इन्होंने, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट्स। सो जितनी हमने इनपुट्स डाली है उसके हिसाब से जो हमारा चेंज आएगा आउटपुट में वो ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेट जो चेंज आएगा हमारे पास वो ज्यादा होगा। सो इन दैट पॉइंट वी कॉल इट एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखो आई कैन एक्सप्लेन यू दिस इन डिटेल, थोड़ा सा मैं करवा दूं उसके बाद आपको फिर डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, सो सिंपली आपने क्या करना है, इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। देखो इसके मैं थोड़ा सा बना के दिखा दूं आपको कैसे लिखोगे आप लोग, सो इट विल बी इजी टू रिमेम्बर। अपनी बुक के ऊपर ही चाहे मेंशन कर लेना। सो अगर इंक्रीजिंग टू रिटर्न्स है तो मैं क्या करूंगी, इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, सो आई एम जस्ट मेंशनिंग ये ग्रेटर होगा इंक्रीज इन इनपुट जो है हमारा। ठीक है, सो जो टोटल इनपुट जो हमने डाला था उससे ज्यादा ये वाला होगा। ठीक है, इस केस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हो जाएगा इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज लेस देन इंक्रीज इन इनपुट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस रहना है, जो इंक्रीज आएगा यहाँ पे इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड टी ओ टोटल आउटपुट के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन दैट इज इनपुट्स। ठीक है, यही बस डिफरेंस है और कुछ नहीं इन स्टेजेस में। ठीक है, इतना सा मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज अगर ऐसे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनपुट, तो प्रोपोर्शनेट जो चेंज आया वो इसकी वजह से आया। ठीक है, सो इसलिए हम लोग इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। ठीक है, अब इंक्रीज इन टोटल यहाँ पे आउटपुट जो है इज इक्वल टू इंक्रीज इन इनपुट्स आ जाएगा, तो हम इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जब बैलेंस रहती है, जब सेम रहती है, तो हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट रही है, सेम रही है चीज, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो वी कॉल इट एज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब जब हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे तो टोटल जो इंक्रीज इन टोटल आउटपुट आ रहा था वो जो था इंक्रीज वो कम आ रहा था एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन द इनपुट्स। फाइन, सो प्रोपोर्शनल चेंज जो था दैट वॉज लेसर एज कम्पेयर टू दिस इन द इनपुट्स। ठीक है, टोटल आउटपुट में हमारा कम आ रहा था चेंज। सो इतना समझ आ गया, मेरे को लग रहा है आ गया होगा सबको समझ। आई होप सो एवरीबडी इज गेटिंग द थिंग्स। अब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। सो जब आपके पास चेंजेस जो होंगे, देखो इट मीन्स इफ ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 100% देन आउटपुट इंक्रीजेस बाय मोर देन 100%। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिया हुआ टेबल 5.5 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे दो फैक्टर्स लिए, वन इज कैपिटल एंड अदर इज लेबर। सो कैपिटल दे हैव रिप्रेजेंटेड विद के एंड एल इज फॉर द लेबर दे हैव रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, सो आउटपुट इन्होंने बोला यूनिट्स कितनी है 100, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनपुट्स हमें नहीं पता। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट वो फर्स्ट यूनिट का हमें नहीं पता। ठीक है, सेकेंड यूनिट के लिए अब डबल कर दिया उन्होंने। देखो जो कैपिटल थी उसका पहले था फर्स्ट वन यूनिट, अब हो गया कैपिटल के दो यूनिट। ठीक है, नाउ फॉर लेबर दे हैव 4 units। ठीक है, सो व्हेन दे हैव 4 units तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 250 units उन्होंने लिखा है। तो अब परसेंटेज चेंज जो आएगा इंक्रीज वो हुआ 100% से। ठीक है, मतलब 100 और 100 200 हो गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गया। सो उससे भी ज्यादा आया, 50 और ज्यादा है, तो दैट वी कॉल इट एज 150% इंक्रीज इन आउटपुट आ गया। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्टेप पे भी वही चीज है, आपके जो है यूनिट्स आप
सेकेंड यूनिट के भी डबल कर दिए उन्होंने, ठीक है। अब कैपिटल हो गई 4K एंड देन लेबर इज 8L, सो 8 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, सो दोनों को कंबाइंड किया तो वी गॉट 600 यूनिट्स। अब 600 यूनिट का अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, 250 का डबल हो गया, फिर 100 आ गया और उससे भी फिर ऊपर है, सो 140% इज देयर, इंक्रीज इज 140%। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, अगर क्लियर हो गया तो जस्ट सेंड मी थम्स अप। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अगर क्लियर हो गया है तो जस्ट सेंड मी थम्स अप क्विकली। आई गेस यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स व्हिच आई एम डूइंग विद यू। सो जितना सिंपल मैं कर सकती हूँ उससे भी सिंपल करके बता रही हूँ आपको। व्हेन वी वर स्टडिंग इन द स्कूल हमें किसी ने इतनी तरह से नहीं समझाया था, सो वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ योर लेवल एंड देन वी आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। Fine, okay. So you're getting the things. Okay. Now, इसके बाद जब भी हम returns to scale की बात करते हैं, there are two types for this. ठीक है? So हमारी economies होती हैं दो तरह की economies। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जिनको हम benefits देते हैं। So large scale production का जिनको benefit मिलता है, ठीक है? Increasing returns to scale occurs mainly due to economies. Economies की वजह से ये बनता है, ठीक है? So ऑफ लार्ज स्केल, सो हम लोग यही मान के चलते हैं हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल है। सो लार्ज स्केल में हम लोग ये कहते हैं लॉन्ग रन में हमेशा चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमीज रेफर टू बेनिफिट्स ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो इकोनॉमीज वो चीज है जिसके थ्रू हम लोग कहते हैं बेनिफिट्स मिलते हैं हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, इतना क्लियर है सबको? So next is economies of scale can be classified into two categories. One is internal economies and other is external economies. So IE, ठीक है, internal economies and external economies. इसी का opposite हमारा जाना है, that is in the we can say in the diminishing returns to scale. So उसमें हमारा जाना है, that is internal diseconomies and external diseconomies. ठीक है, so word वही रहना, वहां पर diseconomies हो जाना है word. ठीक है, सो अब पहले इंटरनल इकोनॉमीज का मीनिंग समझे क्या चीज है। इट रेफर्स टू बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन व्हिच आर अवेलेबल टू अ फर्म विद इन इट्स ओन ऑपरेशन। अगर मेरी अपनी कंपनी है और मेरी अपनी कंपनी के ऑपरेशन की वजह से मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंटरनल ऑपरेशंस की वजह से मुझे मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, इन चीजों का बेनिफिट मिलता है तो आई कैन कॉल दिस एज इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक है, सो एग्जांपल दिया, टेक्निकल इकोनॉमीज इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ बिगर एंड बेटर मशीनरी एंड मैनेजरियल इकोनॉमीज थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। सो इन इन अ फर्म और इंडस्ट्री वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, वन इज टेक्निकल इकोनॉमीज एंड अदर इज मैनेजरियल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज में क्या होगा, जब हम लोग जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज ऑफ बिगर एंड बेटर मशीनरी यूज करते हैं, ठीक है, जो पुरानी मशीनरी थी उसकी जगह पे हमने न्यू मशीनरी अब जो है बेटर वाली जो यूज करी, तो वी कॉल दैट इज योर टेक्निकल इकोनॉमीज। मैनेजेरियल इकोनॉमीज में हमने वो बंदा जिसको प्रॉपर एक नॉलेज है, स्किल है, तो उसी को अगर हमने एक पर्टिकुलर वर्क पे लगाया है तो वी कॉल दैट इज द मैनेजेरियल इकोनॉमीज। और हम लोग सबके साथ डिविजन ऑफ वर्क कर दें, ये आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा। So I guess this is clear to you. आपने बिजनेस में भी थोड़ा सा ये पढ़ा होगा, ठीक है? Now this is clear, I guess. Internal economies are clear to you. So जब हम अपनी इकोनॉमी में, अपनी जो फॉर्म है उसके अंदर से जो ऑपरेशंस है उन्हीं में हम लोग कोई इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वी कॉल दैट एज योर इंटरनल इकोनॉमीज। तो समझ आ गया होगा, आई गेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल इकोनॉमीज, सो नाम से क्लियर है हमारी जो फर्म है उसमें से ऑपरेशंस की अब बात नहीं करेंगे, हम लोग आउटसाइड का करेंगे, ठीक है। सो अब इसकी बात को समझो, इट रेफर्स टू बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन व्हिच आर शेयर्ड इन बाय ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री। तो फर्म एक छोटा यूनिट है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमारा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल एक ही है, पंजाब के सारे स्कूल ले ले तो दैट कैन बी इंडस्ट्री। एंड अगर हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की बात करेंगे, दैट इज फर्म, ठीक है। जब सारे डिसीजन हमारे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स जो है हमें सारी फर्म्स को इंडस्ट्री की वजह से बेनिफिट्स मिल जाए, तो वी कॉल दैट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है, जहां पे हमारी इंडस्ट्री क्या है पूरी की पूरी एक्सपैंड करेगी। सो वी कॉल दिस इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। This is
एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज. अब देखो रोड्स बनाते हैं, अब सारे स्कूल्स में अगर उन्होंने कैमरास बोला लगाने के लिए, जो बसेस है उसमें कंडक्टर रखने के लिए बोला, तो वो सबके लिए बेनिफिट था. जब हमारे पास टोटली हम लोग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आ जाती हैं, हमें पूरी की पूरी इंडस्ट्री में वो चीज़ अप्लाई कर देते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे अभी है गवर्नमेंट ने मास्क के लिए बोला है, तो इंडस्ट्रीज में भी जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके वहाँ पे प्रॉपर वो सैनिटाइजेशन भी करते हैं, उनकी प्रॉपर वो थर्मल जो है बॉडी टेम्परेचर दैट इज ऑल्सो चेक्ड. ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है प्रॉपर हम लोग कहते हैं कि मास्क वगैरह जो है सारा प्रॉपर पहन के जाना है, सारी की सारी वो जो चीजें हैं अब पूरी इंडस्ट्रियल लेवल पे, बेनिफिट तो सबको है उसका. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज एट द एक्सटर्नल इकोनॉमीज वी आर टॉकिंग अबाउट. सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, आपको स्कूल में बोल दिया कि आपने मैथ्स के लिए कुछ लाइक गार्डन बनाना है, उसमें अपने शेप्स बनाओ बच्चों के लिए, सो काइंड ऑफ दैट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. सो वो सारी की सारी जो हमारे स्कूल है सारे करेंगे. सो अब इंडस्ट्री के तरफ से पूरा का पूरा ऑर्डर आ गया, तो हर फर्म को तो फायदा है ही, उसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को भी एस्टेब्लिशमेंट मिलेगी. ठीक है, सो वी कॉल दिस इज द एक्सटर्नल इकोनॉमीज. सो वॉट इज दैट, दैट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज. फाइन, सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. क्लियर हो गया सबको? So is this clear to everyone? Okay. So shall we continue with the next thing now? Okay. So constant returns to scale. Next is constant returns to scale. जब मैंने आपको पहले बताया था proportionate increase in total output is equal to proportionate increase in inputs, तो हमारे पास क्या word आएगा? That is constant returns to scale. So I guess this is clear to you already. अब हमने सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर? दैट इज ऑन द एग्जाम्पल. ठीक है, जो आपका टेबल 5.6 में दिया है, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. अब सिर्फ चेंज आएगा जितना हम लोग चेंज कर रहे हैं उसके उसके बेसिस पे. तो यहाँ पे सिर्फ आप फोकस करो यूनिट्स के ऊपर. देखो 600 के ऊपर 600 और ऐड किए तो 1200 यूनिट्स का चेंज आया सेकेंड में, डबल हो गया. ठीक है, सो 100% इंक्रीज इन इनपुट्स एंड 100% इंक्रीज इन द आउटपुट, दैट इज देयर. फिर उसके बाद 1200 का 2400 आ जाएगा डबल, सो इट इज अगेन 100% इंक्रीज इन इनपुट एंड 100% इंक्रीज इन द आउटपुट. सो दैट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन. लेट मी सी एनीथिंग इज लेफ्ट देन. सो लास्ट जस्ट फ्यू लाइंस आर लेफ्ट फॉर कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. सो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स आफ्टर द फर्म हैज अचीव्ड द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी. जब हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी, जितने मेरे पास पैसे थे, मैंने सारे लगा दिए. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे उतना ही बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, जितनी मेरी एनर्जी थी मैंने सारी आपको पढ़ाने में लगा दी और मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया सारा का सारा. ठीक है, सो इन दैट केस दैट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. सो आपने उतने ही अच्छे मार्क्स अपने स्कोर किए. सो इन दैट केस दैट इज योर कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. सो लार्ज स्केल पे अगर मैं देखूंगी, लार्ज लॉन्ग रन में देखूंगी, तो मेरे बच्चे उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे देंगे. सो आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. ठीक है, सो आफ्टर दिस पॉइंट इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन आर काउंटर बैलेंस्ड बाय द डिसइकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन. सो अब ये चीज जो है हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज दोनों बैलेंस हो जाएंगे. ठीक है, अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड जो हमारी डिस इकोनॉमीज अगर अक्कर होती हैं, दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगी, तो वी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ दीज इकोनॉमीज हियर इन द कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. सो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अगर समझ आ गया तो जल्दी जल्दी थम्स अप भेजो क्विकली. ओके फाइन, सो नाउ इज द लास्ट टॉपिक. अगर हम बात करें, दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड लास्ट, क्योंकि हम एक जो आपका डिफरेंस है वो भी करना है. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन हम लोग करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल इवन. ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे. नाउ हम लोग बात करें अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स. डिमिनिशिंग मीन्स कम. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया था, इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज लेस देन द इंक्रीज इन इनपुट्स. अच्छा एक चीज बताते हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये साइन कैसे है, इंक्रीज वाला कैसे पता चलता है, डिक्रीज वाला कैसे पता चलता है. तो सिंपली याद रखो, जब लेस होगा तो एल की तरह जो बनेगा ना, दैट इज लेस. ठीक है, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती थी, तो आई जस्ट केम टू नो कि ये चीज का है. अब उसके बाद कभी मुझे लाइफ में नहीं भूली ये चीज. ठीक है, सो यू कैन डू इट लाइक दैट.
So that is the point I was talking about. Now the next thing is, which I'm talking about is diminishing returns to scale. So when I talk about diminishing returns to scale, so when proportionate increase in total output is less than proportionate increase in inputs, it is diminishing returns to scale. So that I have already explained to you, my dear. Okay? So up next is, it means if all the inputs are increased by 100%, jab sare ke sare hamare input 100% se increase ho jaye. So in those terms, we call it as, ठीक है, that is your diminishing returns to scale. ठीक है, ये भी long run में आएगा. जब हमारा increase, अगर हम लोग बोले output में था 100% का, but हमारे पास increase जो inputs में आया, that was less. ठीक है, मैं उल्टा बोल गई शायद. ठीक है, जो इंक्रीज था हमारा इनपुट्स में, दैट वाज बाय 100%, बट जो इंक्रीज आया था आउटपुट में, दैट वाज लेस देन 100%. ठीक है, सो वी कैन लाइक मार्क इट एज 75%. आपके जो एग्जांपल में दिया, देखो जरा 2400 का यूनिट्स, हमने यूनिट्स पे फोकस करना, सिर्फ आउटपुट यूनिट्स 2400 वर द यूनिट्स. अब इंक्रीज हुआ 4200 यूनिट्स हो गए. सो अगर 100% हम इंक्रीज करते तो हमारा होता 4800. हमारे पास इंक्रीज कितना आया 4200 का. सो इन दैट केस वी कॉल इट एज 75%. सो व्हाट वी कॉल इट एज 75% इंक्रीज. ठीक है, सो इनपुट इनपुट्स में 100% का इंक्रीज था, बट आउटपुट में परसेंटेज जो आई थी हमारी, दैट वाज जस्ट 75%. ठीक है, सो अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो दिया है उन्होंने, दैट इज 7350. सो अगेन 100%. सो 100% का नेक्स्ट 75% इंक्रीज इन द output. Okay, so this is your, that is diminishing returns to scale. Now the next thing which we are doing is decreasing returns to scale occurs mainly due to diseconomies of large scale. Ab ye kab hota hai, jab hamare paas kya aati hai, diseconomies aati hai. So we have got two diseconomies. One is your internal diseconomies, another is your external diseconomies. Okay, so ab is cheez ko zara samajhna kya cheez hai. Okay, so diseconomies of scale mean that a firm has grown so large that it becomes very difficult to manage it. Diseconomies of scale can be of two types. Ab mere liye problem kya hai ki maine ek bahut bada business start kar liya. Theek hai, mujhe experience bhi nahi tha, aur now I am not able to just handle my business. Maine expand kar diya, kuch aisa kaam kiya जो मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही थी. नाउ इन दैट टर्म्स व्हाट हैपेंड टू मी, क्या हुआ कि मेरे पास क्या है, मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही, तो मेरे पास क्या होगी, डिस इकोनॉमीज आएंगी, तो मेरे पास स्टिल अनबैलेंस हो जाएगा सारा कुछ. ठीक है, सो इस टाइम पीरियड में मेरे पास दो तरह की डिस इकोनॉमीज आएंगी. वन इज इंटरनल डिस इकोनॉमीज, अनदर इज एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज. ठीक है, सो अब इनका मीनिंग समझो क्या क्या है. जब हमें डिसएडवांटेजेस मिले लार्ज स्केल प्रोडक्शन के, ठीक है, और किसकी वजह से, जिसकी वजह से हमारी फर्म के जो ऑपरेशंस है वो क्या है, सफर करें. ठीक है, मेरी इनएफिशिएंसी की वजह से मेरी फर्म को नुकसान हो रहा है. डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस की वजह से क्या हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डिस इकोनॉमीज ड्यू टू हैवी कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टेयर. अब मैंने मशीन ही पुरानी सेकेंड हैंड ले ली, अब उस मशीन में वेयर एंड टेयर की कॉस्ट आ रही है बहुत ज्यादा. ठीक है, सो वो मैं कॉस्ट ही नहीं मैनेज कर पा रही हूँ. वेयर एंड टेयर, यू नो, रिपेयर, मुझे रिपेयर करनी पड़ जाती है हर तीसरे दिन. सो इन दैट केस वॉट इज गोइंग टू हैपन, आई बी हैविंग वेरी डिफिकल्ट टाइम. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज, सो मेरे से मैनेजमेंट ही नहीं हो रही, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, क्योंकि मैं उनके ऊपर भड़क के पड़ती हूँ हर बारी. ठीक है, अगर मैं गुस्से में बोलूंगी तो कोई भी मेरी बात सुनेगा नहीं, अगर मैं उनके साथ आराम से प्यार से काम करेंगे तो दे विल बी ऑल्सो अग्री विथ माई वर्क, दे विल ऑल्सो वर्क अंडर मी इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, सो ये चीजें आ जाएंगी. नेक्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज. अब एक्सटर्नल में क्या होगा, मेरे डिसएडवांटेजेस थे, मैंने क्या किया, अपनी जो फर्म थी उसके अंदर अपने डिसएडवांटेजेस को मैंने छुपाने के लिए क्या किया, इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी एक्सपैंड होनी थी, ठीक है, उसके ऊपर भी इफेक्ट क्रिएट कर दिया. अब कैसे हुआ, शॉर्टेज ऑफ फैक्टर, नॉन फैक्टर इनपुट्स, स्टिफ कॉम्पिटिशन. मेरे साथ क्या हो रहा था कि मेरे कॉम्पिटिटर्स आ गए, मैंने क्या किया, कुछ ऐसी गलत चीजें क्रिएट कर दी. ठीक है, सो नॉन इनपुट्स कर दिया, लाइक
कोडिंग वगैरह करते हैं लोग, ठीक है. सो आई हैव जस्ट डन लाइक दैट. सो अगर वो चीजें मैं क्रिएट कर दूंगी तो वो उसका सारा का सारा इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, पूरा का पूरा इफेक्ट इंडस्ट्री के ऊपर जाएगा. सो दैट वी कॉल इट एज एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज. सो आई गेस टिल दिस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ये आपको समझ आ गया है. तो अगर आ गया है तो प्लीज सेंड मी थम्स अप, देन वी विल कंटिन्यू विद द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. आ गया समझ सबको अच्छे से? सो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल. फाइन, ओके. सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द थिंग्स. Next, we have difference between returns to a factor and returns to scale. Okay? So, let's now do it from the book only. I won't write it because then time waste will be enough and we have only 13 minutes almost. Okay? So, let's now do it now. So, returns to a factor. So first thing is, it is resultant increase in total output when only one factor is increased, keeping all other factors fixed. So this I already told in the beginning of your today's lesson. ठीक है? So सिर्फ एक ही factor में change आएगा, उसकी वजह से पूरी की पूरी output में change आता है. So we call that as a return to factor. एक ही factor. Return to a factor. तो word understand करना. A factor. एक ही वजह, एक ही factor की वजह से जब change आता है output पे. इंक्रीज आता है, डिक्रीज आता है, वी कॉल दैट इज योर रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है, अब स्केल का क्या था? सारे फैक्टर्स है, सब में साइमल्टेनियसली चेंज आया, प्रोपोर्शन जो थे सेम हुए, एंड दैट वाज इन द लॉन्ग रन, तो वी कॉल दैट इज रिटर्न्स टू स्केल. नाउ टाइम पीरियड, अगर हम रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करेंगे, दैट इज शॉर्ट रन, एंड फॉर योर दिस रिटर्न्स टू स्केल इट इज लॉन्ग रन. ठीक है, सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. इतना तो सबको समझ आ गया. तुम अब रिटर्न्स टू फैक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रेशियो एक फिक्स होती है वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज कि हमें फिक्स्ड रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स एज वेरिएबल फैक्टर गो ऑन चेंज. तो यहाँ पे सिर्फ चेंज आता है वेरिएबल फैक्टर में चेंज आने की वजह से. ठीक है, और रिटर्न्स टू स्केल में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता क्योंकि सब में सेम ही चेंज आना है. ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाता है. नेक्स्ट थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. सो अगर हम रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करें, यहाँ पे चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता, बट लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है हमारा. ठीक है, प्रोडक्शन स्केल में कोई चेंज नहीं आएगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आता, बट यस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर जाता है. ठीक है, और रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है. ठीक है, हमने स्मॉल से अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी, दैट इज द पॉइंट. नेक्स्ट इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर, आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर. सो जब हम एडिशन करते हैं, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर में, ठीक है, तो उसकी वजह से आउटपुट हमारी चेंज होती है. ठीक है, बट नेक्स्ट वाला जो है रिटर्न्स टू स्केल, उसमें क्या है, आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर्स. जब सारे फैक्टर्स में चेंज करेंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, टोटल चेंज मिलेगा इन रिटर्न्स टू स्केल. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आई गेस दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ. सो इफ इट इज क्लियर जस्ट सेंड मी थम्स अप क्विकली. So done, I guess. अब मुझे ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो व्हाट इज प्रोडक्शन बेसिकली? यस, आई जस्ट गॉट द क्वेश्चन. व्हाट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली मैम? देखो आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग घर पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्शन का स्केल है, मतलब मैं अगर अपने सिर्फ घर पे कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज माय स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, मैं अपनी सिर्फ सर्विसेज स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर रही हूँ.
ठीक है, लार्ज स्केल मीन्स मैं आपके लिए भी कर रही हूँ, ऑल ओवर द इंडिया सबको मैं सर्विसेज दे रही हूँ अपनी, सो दैट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन. आई गेस दिस इज क्लियर टू यू नाउ. ठीक है, लेवल एंड स्केल दोनों में चेंज होता है. क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी नाउ क्वेश्चंस, वी हैव एनफ टाइम नाउ, स्टिल आई हैव ऑलमोस्ट 9 मिनट्स विद मी. अनदर थिंग अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, सिलेबस है आपका, ठीक है, आपके एग्जाम्स है ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक के, आपके ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हो जाने, फर्स्ट वीक के ऑलमोस्ट नियर अबाउट आपके स्टार्ट हो जाने, अगस्त में एग्जाम्स हैं, 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव, ठीक है, सो यू गेटिंग द लाइक यू विल बी गेटिंग द सिलेबस ऑल्सो ऑन फेसबुक वेरी सून, दैट विल बी रेयर, सो यू हैव टू चेक इट आउट दैट वन. ठीक है, उसके अलावा आपका जो सिलेबस है दैट इज 1 to 5 chapters, सो सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लो. अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही, मैं एक बार बता देती हूँ पैटर्न क्या है पेपर का हमारा. सो वी विल बी गेटिंग 50 questions, तो सिंपली आपका आइडिया देख लो, मैं बता रही हूँ आपको बेटे, आपको 3.5 घंटे मिलेंगे, 3.5 आवर. इट्स वेरी सिंपल. हु इज दिस? मुस्कान. नहीं समझ आया, देखो जितने यूनिट्स मैंने यूनिट्स का बोला था ना, देखो हम लोग टोटल यूनिट्स कितने, कितना चेंज आया उसके बेसिस पे करते हैं. तो हमारे पास यूनिट्स कितने थे, 140%, उसी हिसाब से निकाला इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई करके. आई जस्ट सेंड यू कैसे करना है. ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट वन. देखो इट इज फॉर द फर्स्ट, देखो यहाँ पे यूनिट्स थे 600, तो हमारे पास चेंज कितने का आया था, इन्होंने बोला 600 यूनिट्स है. ठीक है, उसका चेंज आया. आई जस्ट टेल यू, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मेरी ड्यूटी है, आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स. 3.5 आवर का आपका पेपर है, उसमें आपको 15 मिनट्स पढ़ने के लिए भी मिलेंगे प्रॉपर, और आपको प्रॉपर उसमें फिर अपलोडिंग के लिए भी मिलेगा. ठीक है, सो देयर विल बी डिफरेंट लिंक्स फॉर सबमिटिंग योर डिफरेंट लाइक टॉपिक्स, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है 6 होंगे. ठीक है, सो वो आपके 2 लिंक्स सेपरेट बनेंगे, दैट विल बी 15 मार्क्स डिफरेंट लिंक एंड अनदर 15 मार्क्स दैट इज अ डिफरेंट लिंक. ठीक है, तो वो आप लोगों ने अपलोडिंग करनी है, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. वो जिस भी टीचर हम लोग, जैसे मैं हूं, तो मेरी ड्राइव में जाएगा सारा का सारा आपका आंसर. ठीक है, आपको डेट शीट मिल जाएगी, मैं बता देती हूँ, और उसके बाद आप लोग पूरी के पूरे क्वेश्चन उसी के ऊपर रेज कर देते हो. ठीक है, सो आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन है. ठीक है, उसमें से आपको सिंपल मैं बता रही हूँ 10 मार्क्स फ्रॉम ईच चैप्टर, 5 चैप्टर्स है, तो 10 मार्क्स ऑफ लाइक 10 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर विल बी देयर इन योर एग्जाम. ठीक है, और उसके बाद आपके पास 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो आपके आएंगे 5 5 मार्क्स वाले, उसमें आपके पास चॉइस होनी है. हर क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन डालेंगे, उसमें से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो चॉइस विल बी देयर, आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसको अपलोड करना है. ठीक है, वो आपका मॉक एक बारी प्रैक्टिस करवा देंगे आपको मॉक टेस्ट में, तो यू विल बी गेटिंग द आइडिया कैसे आपने अपलोड करना है. ठीक है, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी डालूं कि आप लोग वो भी सॉल्व कर पाओ. सो आई गेस इतना सा सबको क्लियर हो गया, पैटर्न का क्लियर हो गया. अब मुस्कान का जरा क्वेश्चन मैं बता दूं. मुस्कान देखो क्या था उसमें, देयर वाज अ चेंज. अगर हम चेंज करें तो 250 में से 250 अगर डबल करते हम लोग तो 100% का चेंज तब होना था. हमारे पास चेंज कितना हुआ, 600 का, मतलब 250 से 100 और ज्यादा. ठीक है, so अब इसके हिसाब से करके देखो क्या आएगा. 100 को अगर हम लोग करेंगे 6/6 करके देखो, इनटू 100 करो कितना आता है. लेट मी जस्ट डू इट. हमारे पास टोटल यूनिट्स आए थे 600, 100/600 into 100. So it is just गड़बड़ है कुछ. मुस्कान मैं आपसे 1-to-1 कॉल करती हूँ, ठीक है, आफ्टर दिस और इन द इवनिंग. आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आई विल गिव यू कॉल इन द इवनिंग. मुस्कान प्रीत, आई टेक योर क्वेरी, डोंट वरी.
हाँ जी, एनी अदर पर्सन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक्स? आप लोग अब चैप्टर्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, अपने डाउट्स मुझे भेज देना, आई विल बी टेकिंग ऑल द डाउट्स. ठीक है, जब तक आपका टाइम टेबल नहीं आता नेक्स्ट वाला, तब तक मैं नेक्स्ट करवाऊंगी. बेटे आपने ऑलरेडी पेपर्स दिए हैं बेटा जी, तो शायद आपका तो बेटे डिफरेंट है, बट आई जस्ट हेल्प यू आउट. आपको मैंने बोला था पीपीटीज देखो, मेरी पुरानी जो पीपीटीज अवेलेबल है सारे चैप्टर्स की हैं, सो यू जस्ट गो थ्रू ऑल. मैंने आपको सेंड भी करी थी. किसी को स्टिल कोई डाउट लगता है, कोई टॉपिक नहीं क्लियर है, तो मेरी पीपीटीज भी अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट, सॉरी दिस यूट्यूब लिंक जो मेरा चैनल है. ठीक है, उसमें है, यू कैन गो थ्रू ऑल द इवन पीपीटीज. तो शेयर करना पड़ेगा, अभी कर लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, मैं तो ये कहूंगी, नहीं तो आप फिर पीछे रहते जाओगे. इट्स बेटर कि आप लोग कर लो. एक चैप्टर तो मैंने पूरा का पूरा आपको भी करवा दिया. ठीक है, नाउ फोर चैप्टर्स आर लेफ्ट. एक की मैंने आपको पीपीटीज भेज दी थी, ऑलमोस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैं करवा दूंगी आपको. आप मुझे टाइम दो, फिर मैं आपको करवाऊंगी, चाहे मैं 1 आवर लगाऊं, आपको समझा दूंगी सारी चीजें. आप पढ़ते जाना साइड बाय साइड सारा कुछ. ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट बेटे, वी विल टेल यू, सारा कुछ मिलेगा. हाँ जी, मिलेगी आपको, ऑफ मिलेगा बीच में, एक एक ऑफ मिल जाएगा ऑलमोस्ट. यू विल बी गेटिंग द हॉलीडेज इवन. बेटे आपने पेपर के ऊपर लिखना है, उसकी फोटोग्राफ क्लिक करनी है, देन अपलोड करना है. ठीक है, और एक चीज और बोल दूं, यहाँ पे प्लेजरिज्म का पॉइंट आ जाता है. यहाँ पे अगर किसी ने चीटिंग करके किया कुछ भी, ठीक है, चीटिंग करके आपने कुछ भी किया तो वो पकड़े जाओगे. इंटरनेट से अगर आंसर सीधा सीधा कॉपी करके बताओगे तो वो पकड़े जाओगे, बिकॉज वी गॉट द सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म इज देयर, तो वो पता चल जाता है जल्दी. ठीक है, आई सजेस्ट यू कि आप लोग प्रॉपर, आई सजेस्ट यू कि आप लोग प्रॉपर क्या है, पेपर पर लिख के प्रॉपर आंसर्स गिव करो. ठीक है, सो दैट आई वुड सजेस्ट यू. एनी अदर क्वेरी यू पीपल आर फेसिंग, एनी डाउट, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू? और जो आपके साथ वाले जो साथी है ना, जो जागे नहीं अभी तक, उनको बोलो जाग जाए जरा, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम होने वाली है, पेपर में कुछ नहीं आएंगे मार्क्स फिर. सो आई होप एवरीथिंग इज नाउ क्लियर फॉर टुडेज लेसन, देयर इज नो मोर डाउट्स, सो देन आई एम गोइंग टू एंड द क्लास. सो इन द एंड आई वुड से थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. और बस ये है कि रोज प्रे करो गॉड के पास कि दिस COVID-19 शुड एंड वेरी सून. ठीक है, ताकि हम लोग भी अपने रूटीन में बैक आ जाए. अभी तक तो कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह पा रही. और अपने घर से प्लीज बाहर मत निकलना, इट इज अ डेंजरस थिंग, इट इज अ डेंजरस डिजीज. जितना हो सकता है अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी घर पे रखो, अपने घर पे रहो, बॉय स्पेशली आप लोग, कोई गेड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, इसको लाइटली मत लो, दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग. ठीक है, एंड हम लोग सारे बॉर्न इस तरह से नहीं है कि हम लोग इस डिजीज के साथ लड़ लेंगे, क्योंकि दिस इज मैन मेड वायरस. ठीक है, तो मैन मेड, हम लोग जितना कर सकते हैं किसी का नुकसान उतना करने की ये क्षमता रखता है प्रॉपर. ठीक है, सो प्लीज पढ़ो अच्छे से. ठीक है, अपनी लाइफ में और प्रोग्रेस करो. बेटे MCQs आपकी बुक में आइडिया दिया हुआ है, आप लोग वही प्रिपेयर करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे MCQs आएंगे. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, इजी वन. आपको मैंने एक एक चीज क्लियर करी है. स्टिल आई एम टेलिंग यू, अगर कोई आपको डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. ठीक है, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो. ओके डियर, सो नाउ आई कैन
end the stream. So thank you so much. God bless you all. Stay happy, stay healthy at home, and take care of your family, yourself, and keep on learning with Cambridge International School, the SUA. So thank you so much. God bless you all.